हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ग्राम इयारा तहसील बिदासर के मेघवाल समाज व नायक समाज ने सामाजिक जागरूकता की मिसाल पेश करते हुए दिनांक 20 जुलाई 2020 से मृत्यु भोज को त्यागने का निर्णय लिया है। समाज के युवाओं के अथक प्रयासों से संपूर्ण मेघवाल समाज व नायक समाज ने मृत्यु भोज व उससे जुड़ी समस्त कुप्रथाओं को त्याग कर समाज को सामाजिक रूप से समृद्ध करने का प्रयास किया है। समाज की शानदार पहल के लिए श्रीमान शिवराम जी वर्मा SDM बिदासर, श्रीमान गुरुदयाल सिंह जी टाक CBEO, श्री चरण सिंह जी गोटर PEO कातर, श्री सुभाष चंद्र जी PEO बंबू, श्री हेमराज जी मेघवाल PEO सांडवा, श्री प्रभुराम जी दहिया AAO बिदासर, श्री जीवनराम जी शिक्षक व समाज सेवी और श्री रमेश चंद्र जी PTI इनियारा ने इस अवसर पर पहुंचकर सभी का हार्दिक अभिनंदन किया व इस पुनित कार्य के लिए सभी को धन्यवाद दिया। आदरणीय SDM सर ने ऐसी कृतियों को त्याग कर समाज को शिक्षित करने पर बल दिया और जरूरतमंदों की हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया। आदरणीय CBO सर ने इस मुहिम में एक और गांव जुड़ने पर नरुंगलाल जी व सोनाराम जी के प्रयासों की सराहना की और इस क्षेत्र के अन्य गांव में भी इस मुहिम को बढ़ाने हेतु प्रेरित किया। श्री नरुंगलाल जी व श्री सोनाराम जी ने अवगत करवाया कि हम सब ने ये कदम समाज हित में लिया है, जिसमें होने वाले अपव्यय को शिक्षा के क्षेत्र में सदुपयोग कर समाज को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आए हुए समस्त अतिथियों का मुंशीराम जी, नरंगलाल जी व सोनाराम जी ने आभार व्यक्त किया। हमारे स्वतंत्रता जुगल किशोर प्रजापति जी ने इस संबंध में उपस्थित लोगों से बातचीत की, आइए उनके विचार जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील के इयारा कस्बे के शिक्षक सोनाराम जी पटेल। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मृत्यु भोज के खिलाफ आपने जो मुहिम छेड़ी है उसकी प्रेरणा आपको किस तरह मिलती है। हमें ये प्रेरणा हमारे जो CBO साहब है और SDM साहब है और हमारे समाज के बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि ये मृत्यु भोज एक सामाजिक कुरीति है और इसे त्यागो आप। तो हमने उससे प्रेरणा लेकर हमारे बुजुर्ग व्यक्ति समाज के उनके साथ मीटिंग की और मीटिंग करके उनको भी समझाया, हमारे नौजवान साथियों को भी समझाया। हमारे भाई लोग थे मुंशी राम मेघवाल, नोरंगलाल अध्यापक, ग्राम सेवक जी शंकरलाल जी, राजेंद्र व्यवस्थापक, इन सबको बुलाकर हमने एक मीटिंग की और मीटिंग में बुजुर्ग व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया हमने। बुलाकर कहा भाई ये कुरीति है और इसको हमें त्यागना चाहिए। मृत्यु भोज आपने कहा कि इसको त्यागना चाहिए, लेकिन मृत्यु भोज जो हमारी भारतीय परंपरा मान लीजिए, हिंदू संस्कृति मान लीजिए, उसमें 12 दिन का एक परंपरा बनी हुई है कि 12 दिन, तो 12 दिन में व्यक्ति का दुख कम हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन आप ये कह रहे हो कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए या 12 दिन ही बंद हो जाने चाहिए, कोई आए जाना बंद हो जाना चाहिए। देखो मेरा तो ये है कि ये 12 दिन एक फालतू का काम है। अच्छा, ये होना चाहिए 3 दिन में हो जाना चाहिए सब कुछ, क्योंकि उसमें एक तो व्यक्ति का समय बर्बाद हो रहा है और वो एक दिन 12 दिन बैठे बैठे अपने काम में नहीं लग रहे और वो परिवार वाले उसके मान लो मेहमान है, सब कुछ है, उनका सबका समय का दुरुपयोग होता है। समय का दुरुपयोग होता है, लेकिन एक व्यक्ति जो दिल से टूट चुका है, उसका रिश्ता जिस पिता से माता से होता है, वो 3 दिन में उस दुख को भूल जाएगा। एक दिन तो दिल ने सबको टूटना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये कुरीति थी। सबसे पहले से कुरीति को मिटाना हमारा समाज में फर्ज था और हमने मृत्यु भोज से जो राशि बचेगी उस राशि का उपयोग समाज के किस मद में किया जाएगा। देखो मैंने जो मृत्यु भोज करते हैं उनमें जो पैसा फिजूल खर्च होता था, मैंने तो उन गार्जियनों को कहा कि या तो आप कोई भाई स्कूल में कमरा बनवा दीजिए और या कोई जो गरीब है उनकी बच्चे हैं उनकी शादी में लगा दीजिए या कोई गौशाला में लगा दीजिए, इन पैसे का ऐसे सदुपयोग किया जाए। ये हमारे साथ सोनाराम जी थे जिन्होंने मृत्यु भोज के खिलाफ जो मुहिम है उनमें अपने विचार साझा किए, धन्यवाद। आपके गांव इयारा में मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाए, हालांकि ये प्रतिबंध 1960 से शुरू है और 2020 में अशोक गहलोत जी ने विशेष आदेश देके इस पर कठोरता से प्रतिबंध लगाने का जो फैसला लिया है, आपने ये फैसला किन लोगों से प्रेरित होकर लिया है अपने समाज में? देखो इस मामले में हमारी जो अधिकारी भी है, CBO साहब है, SDM साहब है, वैसे तो राजस्थान सरकार वैसे आदेश जारी कर रखा है और बाद में हमारी सब बुजुर्ग आदमी है, सब नौजवान साथी है, हम उसके साथ सारे बैठ के उसने सारी बात मिला कि ये का भाई ये फिजूल खर्चा है। इस मामले सरकार भी सख्त हो रखी है और हम यदि इसमें मान लो फिजूल खर्चा करें इसका कोई मतलब नहीं है और इसलिए तो हम ये सोचते हैं कि ये पैसा है जो मान लो भाई गरीब परिवार के बच्चे हैं या अन्य कोई गौशाला है, धार्मिक स्थल भी हो उसमें लगाया जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्या यह जो आपने निर्णय लिया उसमें पूरा समाज आपके साथ है? देखो या बुजुर्ग लोगों ने आपका विरोध नहीं किया इस बात का? देखो बुजुर्ग लोग है उसको हमारे को बैठ के
उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि वह भी कई वर्षों से परंपरा चलती आ रही थी, इसलिए उसको बैठ के पूरा एक साथ बैठना पड़ता है, कई बार समझाना पड़ता है कि भी पहले टाइम और थी, आज का समय और है और वह समय अब रहा नहीं है। इसलिए उन लोगों को सारा समझाइश करके हम लोगों ने समझाया, समझाने पर उसने भी मान लिया कि भाई राज्य सरकार ने रोक लगा दी तो हम मसर प्रताय नहीं कर सकते। चलो ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ इयारा गांव के शिक्षक नौरंग राम जी मौजूद है, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि मृत्युभोज एक सामाजिक बुराई है, ये बात हम सुनते आ रहे थे, लेकिन यह आपने अपने जेहन में 2020 में क्यों उतारी, इतने समय आपने इस पर निर्णय क्यों नहीं लिया समाज में लोगों को जागरूक करने का? नहीं, इस टाइम तो क्या है कि राज्य सरकार ने आदेश कर दिए, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ा है समाज में। मतलब राज्य सरकार आदेश करने के बाद लोगों के दिमाग में आ गई ये बात तो गलत है, ऊपर से ये वैश्विक महामारी चल रही है, लॉकडाउन का पालन वगैरह, तो इससे तो आपके समाज के कितने परिवारों ने इसका त्याग करने का लक्ष्य लिया? गांव में 450 घर ऐसी नाइक और मेघवाल सब ने सामूहिक निर्णय लिया कि हम इस कुरीति का त्याग करते हैं। नहीं, कुरीति का त्याग कर रहे हैं, मृत्युभोज का त्याग कर रहे हैं, लेकिन इस मृत्युभोज का त्याग करने के पीछे आपको बुजुर्ग लोगों से कुछ अलग तरीके से नसीहत नहीं मिलेगी, भैया हमारी परंपरा है, हम इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मिला होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा कुछ से बुजुर्ग एक आधा आदमियों ने किया है, ताकि वो उनको बैठ कर समझाइश किया तो वो भी मान गए। आपको क्या लगता है कि ये सामाजिक बुराई समाप्त होने के बाद समाज में जो ये राशि है मृत्युभोज की, भाई एक व्यक्ति मरता है उसके परिवार के पीछे बहुत संपत्ति होती है, वो छोड़ के जाता है तो वह राशि मृत्युभोज में लगाता है, 5 लाख 10 लाख और कर्ज भी उठाता है, तो इन राशि का उपयोग अगर समृद्ध है व्यक्ति तो राशि का उपयोग किस में लगाना चाहिए? इस राशि का उपयोग मेरे हिसाब से जो हमने लोगों को कहा भी है कि सबसे ज़्यादा तो शिक्षा पर लगाया जाए, या हॉस्पिटलों में, या पर्यावरण पे सबसे ज़्यादा, मतलब जो हमने ये भी तय किया है कि अगर कोई आदमी की मृत्यु होती है तो उसके बारहवें के बाद में मतलब शमशान घाट या सार्वजनिक स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। धन्यवाद नौरंग जी, थे कह रहे हैं पर्यावरण पर भी मृत्युभोज की जो राशि है वो लगाई जा सकती है। जय हिंद।